नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो बात करते हैं कीबीएस पीआरटी कटाप को लेकर। कीबीएस कटाप को लेकर हमने पिछले वीडियो में बताया थे भैया कि टीजीटी और पीजीटी वालों का कटाप क्या जाने वाला है। उससे बहुत सारे स्टूडेंट ने देखकर ऐसे कटाप को बहुत एकदम मेरे दोस्तों कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि हम जरूर इस बार सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे, क्योंकि एकदम मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग को एकदम वो कटाप दिए थे। तो चलिए मेरे दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आप लोग को कीबीएस पीआरटी वालों का कटाप नहीं दे पाए थे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो गया था। इसलिए हम आप लोग से बताए थे ना भैया कि कीबीएस का कटाप पीआरटी वालों की नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगी। तो इसी को देखते हुए मेरे बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप पीआरटी वालों के कटाप क्यों नहीं दे रहे हैं। बहुत सारा मैसेज आया कि सर आप पीआरटी वालों का कटाप बनाइए। तो इसी चीज को हम देखते हुए, इसी चीज को वायरल होते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज कीबीएस पीआरटी कटाप क्या होने वाला है भैया, इसी चीज पे आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कि केबीएस पीआरटी कटाप 2023, केबीएस पीआरटी कटाप 2023 क्या होने वाला है। चलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं। यदि भैया यूआर की बात की जाए, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए, तो उनका होने वाला है 120 से 125 प्लस। मेरे दोस्तों कितना, 120 से मतलब 122 से 125 प्लस होने वाला है। किसका भैया? अनरिजर्व कैटेगरी मतलब यूआर मतलब जनरल की होने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है ओबीसी। ओबीसी की क्या होने वाली है भैया? तो ओबीसी की बता दें तो ओबीसी की लगभग आपका 120 से 122 प्लस होगा भैया, इसी के बीच में होगा, ना कि ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा। नहीं भैया, ऐसा तो होगा नहीं यार। तो और आगे हम बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं अगली एक और कैटेगरी जिसे कहते हैं ईडब्ल्यूएस। EWS की बात की जाए तो EWS की कटाप मेरे दोस्तों 118 से 120 प्लस होने वाला है। 118 से 120 मतलब 118 से 120 होने वाला है मेरे दोस्तों, इसी के बीच, इसी के बिटवीन रहेगा मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी आपकी आ जाएगी क्या, एससी वालों की बात की जाए कि एससी वालों की क्या होगी भैया। तो एससी वालों को हम बता दें कि एससी वालों की क्या होने वाली है, तो एससी वालों की कटाप रहेगी 115 से 117 के बीच, 115 से 117 के बीच ही रहेगी एससी की कैटेगरी, ना कि इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, ना इससे ज्यादा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली एक और कैटेगरी जो है भैया क्या, एसटी की। एसटी वालों की क्या होगी भैया? तो एसटी वालों की बात की जाए तो 110 से 112 प्लस होगा भैया, किसकी? एसटी वालों की बात की जा रही। तो बहुत सारे भाई ये भी सोचेंगे कि भैया आप कटाप किस बेस पे बता रहे हैं, ये वाला, जैसे हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कटाप 2018 को रिलेट करते हुए बता रहे थे कि 2018 में टीजीटी और पीजीटी वालों की कटाप की बात की जाए तो 63% गया था मेरे दोस्तों, और 63% यदि 2022 और 23 का निकाला जाए तो आपका गया था जनरल वालों के लिए 114 से 115 मार्क। कितना? 114 से 115 मार्क। उसी के बेस पर मैं पीआरटी वालों का भी कटाप निकाला हूं। तो चलिए यहां पर भी दिखा देंगे कैसे निकाले हैं, तो दिखा देते हैं हम आप लोग को। चलिए यहाँ पे यदि बात की जाए 2018 की, 2018 की बात की जाए मेरे दोस्तों, 2018 की बात की जाए, यदि 2018 की बात की जाए तो 2018 की यदि बात की जाए तो 2018 में आपका जो एग्जाम हुआ था वो कितने मार्क का था? जो एग्जाम हुआ था आपका 150 मार्क का था, मतलब 150 मार्क का था, 150 मार्क का क्या था, 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका मार्क था। और बात किया जाए भैया 150 मतलब 150 मार्क का था, 150 में से आपका पीआरटी वालों की बात की जाए तो 100 कट ऑफ गया था, और 100 का
यदि परसेंटेज निकाला जाए मेरे दोस्तों, 100 का यदि परसेंटेज निकाला जाए तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितनी जाने वाली है, आपकी अप्रोक्सीमेटली जाएगा मेरे दोस्तों कितना जाने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली देख लिया जाए तो 66% आपका गया था 2018 की। यदि इसी के बेस पर यदि हम भैया 2022 और 23 की बात करते हैं, तो 2022-23 में क्या होने वाला है, 2023 की यदि बात की जाए जो एग्जाम हुआ है उसकी कटाप देख लिया जाए, तो इसकी जो एग्जाम हुई थी वो थी 180 मार्क की थी, कितनी थी भैया 180 मार्क की थी, और यदि इसका 66% निकाला जाए तो कितना आएगा भैया, 66% यदि निकाला जाए तो आपका जाएगा 118 मार्क, कितना 118 मार्क आपका मिनिमम जाने वाला, इसलिए हम अधिकतम ले लिए 122 से 125 ताकि आप इससे भी सेफ रहें। तो यहाँ पर देख लीजिए 118 प्लस गया है किसका भैया, यदि 66% 180 मार्क का निकाला जाए, तो हमने आप लोग को तो 122 प्लस और 125 से रिलेटेड बताया है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या जा रहा है। हाँ भैया यही कट ऑफ हो गया, ना कि डिफरेंस हो गया यार। आज का हमारा वीडियो यहीं पे था, आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एकदम पीआरटी का कठम एकदम परफेक्ट लगा होगा, एकदम परफेक्ट लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।